पुलिस पब्लिक एसोसिएशन की अहम बैठक एसपी हमीरपुर अरिजीत सेन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में डीएसपी हितेश लखनपाल, पीपीए अध्यक्ष रमेश चंद भी मौजूद रहे। बैठक में पीपीए के आगामी दिनों के लिए रूपरेखा तैयार की गई और जिला में स्कूलों में छात्रों की मारपीट की घटनाओं को लेकर पीपीए के द्वारा अभियान चलाकर बच्चों को जागरूक करने के लिए निर्णय लिया गया। साथ ही बैठक में नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ भी काम करने के लिए खाका तैयार किया गया। बैठक में एसपी अरिजीत सिंह ने पीपीए पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने अपने क्षेत्रों में प्रवासी मजदूरों पर नजर रखें और प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण और आई कार्ड की जांच करें, क्योंकि जिला में पिछले कुछ दिनों में प्रवासी व्यक्ति चोरियों में शामिल पाए गए हैं। साथ ही किराए पर रह रहे मजदूरों की पहचान हो, इसके लिए पीपीए के साथ मिलकर पुलिस अभियान चलाएगी, जिसमें मकान मालिकों को भी और बाहरी लोगों को मकान किराए पर देने से पहले पूरी जांच पड़ताल करने के लिए जागरूक किया जाएगा। बैठक में नशे के बढ़ते जाल को खत्म करने के लिए पीपीए के द्वारा आगामी दिनों में स्कूल कॉलेजों में जाकर छात्रों की काउंसलिंग करने का निर्णय लिया गया है, जिससे पता चल सके कि छात्र नशे की गिरफ्त में क्यों जा रहे हैं और नशे के साथ मारपीट की घटनाओं में क्यों ज्यादा दिलचस्पी रख रहे हैं। पीपीए की बैठक में पीपीए अध्यक्ष रमेश चंद, महासचिव राजीव पुरी, कोषाध्यक्ष मुनीश पुरी, प्रेस सचिव जसवीर कुमार, अरविंदर सिंह, वरिष्ठ सदस्य नेकराम, जसवंत सिंह, मुन्ना वर्मा, आशीष कौशल, किशोर सिंह भी मौजूद रहे। हमीरपुर शहर स्वच्छ व सुंदर हो, इसके लिए बोटा चौक से लेकर नादौन चौक तक सड़क के किनारे नालियों तथा फुटपाथ को चकाचक किया जाएगा। आज हमीर भवन में आयोजित मंडे मीटिंग के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे विकासात्मक कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त हरकेश मीणा ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए, सड़क पर धूल ना उड़े इसके लिए विभाग के अधिकारियों को पानी का छिड़काव करने को कहा, ताकि राहगीरों तथा दुकानदारों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। एसडीएम सदर को आज ही बोटा चौक से नादौन चौक तक डिमार्केशन करवाने को कहा गया है तथा नालियों तथा फुटपाथ के कार्यों को बेहतर ढंग से बनाया जा सके। बिजड़ी बाजार की सड़क का निर्माण कार्य भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। हमीरपुर शहर में सड़क के किनारे नालियों तथा फुटपाथ के कार्य के चलते विद्युत विभाग तथा आईपीएच विभाग भी अपने अपने विभाग से संबंधित कार्य को तुरंत अंजाम देना सुनिश्चित करेगा। उपायुक्त ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को टिक्कर तथा बोटा में यातायात को सुचारू रूप से चलाने तथा सड़क नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। खनन अधिकारियों को राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर निर्माणाधीन पुलों में प्रयोग हो रही सामग्री की नियमित रूप से चेकिंग करने तथा अवैध खनन के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण शिक्षा विभाग जिला में सभी स्कूलों में पेयजल टंकियों की सफाई को सुनिश्चित बनाए। इसके साथ ही सभी विभाग भी अपने अपने कार्यालय की पेयजल टंकियों की अक्टूबर माह से पहले सफाई करना सुनिश्चित करेंगे। एपीएमसी जिला के उन्नतशील किसानों को उनके उत्पादों को बेचने के लिए स्थान उपलब्ध करवाने के लिए एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कदम उठाए। आरटीओ को ऐसे वाहन चालकों के चालान करने को कहा गया जो कि निजी वाहन में सवारियों को ले जा रहे हैं। बिजली विभाग शहर में प्रत्येक भवन की चेकिंग कर उसमें स्थापित विद्युत मीटरों की सूची बनाकर उपलब्ध करवाएगा। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम, एसडीएम डॉक्टर चिरंजी लाल, सहायक आयुक्त राजकृष्ण के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। उपमंडलीय स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में लक्ष्मी मेमोरियल पब्लिक स्कूल बोटी के नन्हे व युवा विज्ञानिकों द्वारा शानदार प्रदर्शन किया गया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पट्टा बाल विज्ञान सम्मेलन में विज्ञान प्रश्नोत्तरी जूनियर वर्ग में सुजीन ठाकुर व रिया दीमान प्रथम, सीनियर अंकित व अनुषा पटियाल प्रथम, विज्ञान एक्टिविटी कॉर्नर जूनियर में प्रिया शर्मा प्रथम, गणित ओलंपियड जूनियर में आयुष दूसरे स्थान पर रहा, जबकि विज्ञान एक्टिविटी कॉर्नर सीनियर में आस्था कतना का जिला स्तर पर भाग लेने हेतु चयन हुआ है। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधक के एस चौहान तथा प्रधानाचार्य मीनाक्षी पटियाल ने सभी बच्चों को बधाई दी तथा अधिक परिश्रम करने के लिए भी प्रेरित किया। सरगम कला मंच नौणी सोलन में हिमाचली संस्कृति और वाद्य यंत्रों पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्य के करीबन 6 जिलों के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी
भाग भी लेंगे। ये जानकारी संस्था के अध्यक्ष जीएलएल ठाकुर ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि हिमाचल की समृद्ध संस्कृति पर भी पाश्चात्य संस्कृति हावी होती जा रही है और युवा वाद्य यंत्रों और परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, जिन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अधिक जानकारी देते हुए जीएलएल ठाकुर ने बताया कि हिमाचल से लुप्त हो रहा शास्त्रीय संगीत और 16 संस्कारों को विकसित करने का प्रयास संस्था द्वारा किया जा रहा है, जिसके तहत बगाड़ क्षेत्र की पारंपरिक समृद्ध संस्कृति की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी और प्रतियोगिता भी आयोजित होगी। यह कार्यक्रम सोलन के संस्कृत कॉलेज में आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि हिमाचल में पहली बार पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर वेद मंत्रों और वैदिक तालों पर गायन भी होगा। जिला कांगड़ा के पुलिस स्टेशन हरिपुर के तहत पड़ी पुलिस चौकी रानीताल के तहत बाथू पुल के पास एक टैक्सी ड्राइवर युवक की लाश बरामद हुई है। युवक का मर्डर कर उसे वहां फेंका गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। एसपी कांगड़ा दिनेश कुमार भी मौके पर पहुंचे, साथ ही ऊना से डॉग्स कोबॉर्ड और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जिस युवक का शव मिला है वह बैजनाथ क्षेत्र का रहने वाला था और टैक्सी चलाता था। उसकी पहचान टैक्सी ड्राइवर अश्विनी पुत्र मोहन सिंह निवासी नौरी पड़ियारखर बैजनाथ के रूप में हुई है। उसने अभी 5-6 दिन पहले ही नई टैक्सी स्विफ्ट डिजायर सफेद रंग खरीदी थी। टैक्सी का नंबर भी नहीं मिला था। पिछले कल टैक्सी चालक ने सुबह करीब 11 बजे अपने पिता को फोन कर बताया कि वह सवारी छोड़ने जा रहा है। जब रात 8 बजे तो घर नहीं पहुंचा तो उसके मोबाइल पर फोन आया, लेकिन घंटी जाने के बाद भी उसका फोन नहीं उठाया। इसके बाद परिजनों ने स्थानीय पंचायत प्रधान को साथ लेकर बैजनाथ थाना में टैक्सी ड्राइवर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। ट्रैकिंग में टैक्सी ड्राइवर की लोकेशन रानीताल के आसपास की आई। इसके बाद टैक्सी ड्राइवर के परिजनों और अन्य लोगों ने रानीताल के आसपास उसकी तलाशी शुरू कर दी। आज करीब 1 बजे बाथू पुल से पास सड़क के नीचे रेलवे ट्रैक के पास शव बरामद हुआ। इसकी सूचना बैजनाथ थाना और रानीताल पुलिस चौकी को दी गई। ऐसा भी बताया जा रहा है कि युवक को चंडीगढ़ की कोई सवारी मिली थी, सवारी लेकर चंडीगढ़ के लिए निकला था, लेकिन पुलिस अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है। प्रयास लगाए जा रहे हैं कि किराए पर गाड़ी करने वाले व्यक्ति की उसका मर्डर कर गाड़ी लेकर फरार हो गए हैं, क्योंकि गाड़ी का भी सुराग नहीं लग पाया है। हालांकि सारी बातों का खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो पाएगा। अश्विनी की एक बेटी और 4 साल का बेटा है। एएसपी कांगड़ा दिनेश कुमार ने बताया कि टैक्सी चालक के पिता के बयान पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। गाड़ी का कोई पता नहीं चल पाया है। गाड़ी के बारे में सभी थानों और चौकियों को सूचित कर दिया है। टैक्सी ड्राइवर सवारी लेकर कहां जा रहा था, इसकी जांच की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम करने के लिए टांडा भेजा गया है।